नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो भीषण गर्मी से निपटने के लिए केंद्र सरकार तैयार, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को आगामी गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। वे पीएम को आगामी गर्मी के मौसम यानी अप्रैल से जून के पूर्वानुमान सहित अप्रैल से जून 2024 की अवधि के लिए तापमान दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी गई। वही बैठक में पीएम के प्रधान सचिव, गृह सचिव और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आईएमडी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए। दरअसल देश के अधिकांश हिस्सों में जो है सामान्य से अधिक तापमान की इस बार संभावना है। विशेष रूप से जो है मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत में इस बार तापमान ज्यादा रहने वाला है। पीएम कार्यालय ने बताया कि आवश्यक दवाओं और आइस पैक और इसके अलावा ORS और पीने के पानी के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारी की समीक्षा की गई। इस दौरान लू की स्थिति से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप पर आ रहा है काम का फीचर, अब डॉक्यूमेंट्स शेयर करना हो जाएगा और भी आसान। व्हाट्सएप में यहाँ पर जो है व्हाट्सएप दुनिया भर में एक पॉपुलर स्टैंडिंग मैसेजिंग ऐप है। इसका इस्तेमाल जो है करोड़ों यूजर्स यहाँ पर करते हैं। वह इसलिए व्हाट्सएप यूजर्स की सहूलियत के लिए रोजाना जो है समय समय पर नए नए फीचर लेकर आता रहता है। वही बीते कुछ महीनों में कंपनी ने काफ़ी सारे फीचर्स अपने प्लेटफॉर्म पर पेश किया। अब ये जानकारी सामने आई कि व्हाट्सएप एक और फीचर पर काम कर रहा है जिसे यूजर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर करना आसान हो जाएगा। दरअसल वहाँ बेटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप एंड्रॉयड के लिए एक नया फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मैसेजिंग ऐप डॉक्यूमेंट प्रीव्यूज शामिल करने को लेकर विचार जो है कर रहा है। यानी आप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो आप इसे खोलने से पहले इसको एक छोटी सी तस्वीर उसमें आपको दिखाई देगी। ये एक झलक की तरह होगी और इसे आपकी चैट में सारी डॉक्यूमेंट ढूंढना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसे खोले बिना ही आपको पता चल जाएगा कि यह कैसा दिखता है। ये विशेष रूप से तब काम आएगा जब फोटो या फिर वीडियो शेयर कर रहे आप हो, क्योंकि प्रीव्यू आपको डॉक्यूमेंट को खोले बिना ही जो है उसे कंटेंट को आपको समझा देगा कि कंटेंट में क्या है। वह वर्तमान में यदि आप व्हाट्सएप में एक फ़ोटो या फिर वीडियो को डॉक्यूमेंट के तौर पर शेयर करते हो तो रिसीवर इसे तब तक नहीं देख पाएगा जब तक उसको पूरा डाउनलोड ना कर ले। इससे आने वाले फीचर से जो ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। वह इसके अलावा खबर ये भी है कि व्हाट्सएप एक ऐसा फीचर पर भी काम कर रहा है जो कॉन्टैक्ट्स को चैट करने का सुझाव देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कॉन्टैक्ट्स वे होंगे जिनसे यूजर्स लंबे समय से बातचीत उन्होंने नहीं की है। फिलहाल ये फीचर केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध होने की सूचना थी, लेकिन अब जल्दी ये iOS यूजर्स को भी ये फीचर जो है वो मिल जाएगा। यानी iPhone इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी ये फीचर मिल जाएगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो EPFO के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। अप्रैल में EPFO ने दी बड़ी खुशखबरी। क्या ये अहम बदलाव इन लोगों को मिलेगी सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है EPFO ने अपने सदस्यों के लिए एक और सुविधाजनक सुविधा शुरू की है। ये बदलाव नौकरी बदलने पर EPFO के खातों से खुद से ट्रांसफर जो है अपने आप कर देगा। यानी अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपको अपना पहला पैसा जो है खुद से ट्रांसफर जो है करने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद नई कंपनी के खाते में जुड़ जाएगा। हालांकि इसके बाद यह सुविधा कैसे और किन लोगों तक पहुंचेगी तो आपको उसके बारे में कुछ यहां पर जरूरी प्रोसेस बता देते हैं। दरअसल ऑटोमेटिक ट्रांसफर प्रोसेस यानी नौकरी बदलने वाले मौजूदा EPFO सदस्यों को किसी भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अनुरोध की आवश्यकता बिना ही PF के शेष अपने पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता में ट्रांसफर करने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब यह है कि EPFO खाता ट्रांसफर स्वचालित रूप से होता है जिसे सदस्यों की जो परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सुविधा केवल उन्हीं EPFO सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिनके EPFO खाते पुराने या नए दोनों EPFO द्वारा बनाए रखे जाते हैं। वही छूट प्राप्त EPFO ट्रस्ट इस ऑटोमेटिक ट्रांसफर प्रोसेस के अंतर्गत शामिल नहीं है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए। जनरल टिकट खरीदने वालों के लिए रेलवे का नया फरमान, अब खत्म होगी लाइन में लगने की समस्या। भारतीय रेलवे के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भी लाखों लोग जो है रोजाना जो है जनरल टिकट पर सफर करते हैं। भाई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ट्रेन की कनेक्टिविटी जो है इसकी सुविधा मिलती है। अब भारतीय रेलवे कुछ इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल रेलवे ने अपने जनरल टिकटों के भुगतान को लेकर नए नियम हाल में ही यहाँ पर
नए नियमों की घोषणा की थी, जिससे देश में जनरल टिकटों पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये नियम जो 1 अप्रैल से लागू हो गया, यानी अब यात्री इसका जो आनंद जो है वो ले सकते हैं। दरअसल ट्रेन का नया नियम जो है UPI से जुड़ा है, जिसमें यात्री जनरल टिकट UPI के जरिए खुद खरीद सकते हैं। पहले सिर्फ जो यहाँ पर बड़े टिकट वगैरह थे वो जनरल टिकट खरीदने की सुविधा UPI QR कोड से नहीं थी, लेकिन अब UPI से हो जाएगी। वह रेलवे की इस नई सर्विस में लोगों को रेलवे स्टेशन पर मौजूदा टिकट काउंटर पर QR कोड के जरिए पेमेंट करने का मौका मिलेगा। ये पेमेंट पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे और UPI मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। रेलवे द्वारा टिकट पेमेंट को बढ़ावा देने से रोजाना टिकट काउंटर पर जनरल टिकट खरीदने वाले लोगों का फिर राहत मिलने वाली है। UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट से लोगों का पैसा खोने की समस्या से राहत मिलेगी। साथ में जो टिकट काउंटर पर लंबी भीड़ मिलती थी उसमें भी कमी देखी जा सकेगी। टिकट काउंटर पर मौजूदा कर्मचारी को नकदी की व्यवस्था करने में लगने वाले समय भी उसका बचेगा। वह डिजिटल पेमेंट से लोगों को कम समय में टिकट जो है मिलेगा। इससे पूरी पारदर्शिता भी यहाँ पर पूरी पारदर्शिता को भी बढ़ावा जो है वो मिलेगा। वही रेलवे जो है रिजर्वेशन टिकट 2 तरीके से इसमें मिलते हैं, एक रेलवे काउंटर टिकट, दूसरा ऑनलाइन ई टिकट। IRCTC के मुताबिक अब RIC या फिर वेटिंग लिस्ट का टिकट कैंसिल किया जाता है तो ₹60 रिफंड काटे जाते हैं। वही अगर कंफर्म ई टिकट ट्रेन चलने के शेड्यूल के 48 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है तो AC फर्स्ट में जो 240 और AC 2 टीयर में 200 और AC 3 में जो है 180 रुपये और स्लीपर में 120 और सेकेंड क्लास में ₹60 जो है काटे जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना आपको इसी तरह की खबरें जो है वो मिलती रहें।